देखिए, बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कोई मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जैसे कि हमने पहले से पढ़ नहीं रखा हो। आप लोगों को याद हो तो ये टॉपिक जो है वो मैंने सिंगल इंटीग्रेशन पे जो है वो आपको सारा पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन आज बस उसी की चीज़ों को जो है वो मिक्स करना है मुझे। जैसे मैं अगर आपको पुरानी वाली सिंगल कंटिन्यूस वाली जो है वो स्लाइड शो करूँ, तो एक मिनट मैं आपको भी शो करके दिखाती हूँ। ये कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली स्लाइड जो है वो मैंने आपको पढ़ा रखी है। एक मिनट, ये देखिए ये वाली स्लाइड चूंकि आप लोग पहले ही कवर कर चुके हैं, ये वाली स्लाइड इसी इसी स्लाइड के ऊपर ही जो है वो आपके पास बाइवेरिएट है। मतलब अगर किसी ने ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन वाली स्लाइड को पढ़ रखा है, इसको रैंडम वेरिएबल क्या होता है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, पीडीएफ क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप लोगों ने पढ़ रखी है तो आपको डेफिनेटली आज की स्लाइड में कोई भी इशू नहीं होगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट वही है। जैसे यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ पे भी आपने सारी चीजें देखी थी कि आप उस फंक्शन को जो है वो अपर से लोअर पे इंटीग्रेट कर रहे तो उसका आंसर 1 आना चाहिए था। फिर उसकी वेरिफिकेशन के लिए आपने देखा था सब कुछ सम करके 1 आया, तो आपने कहा कि ये पीडीएफ है। फिर के की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी, फिर प्रोबेबिलिटीज निकाली इंटीग्रेशन कर करके, ठीक है। इसी तरीके से फिर आपने क्यूमुलेटिव निकाली, क्यूमुलेटिव निकालने के लिए उसे एक्स तक के इंटीग्रेट करवा दिया। लेकिन हर चीज पे आप क्या कर रहे थे, स्लाइड के अंदर हर चीज पे आप सिंगल इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे भी सेम यही सारे कॉन्सेप्ट है, पीडीएफ है, सीडीएफ है, यही सारी कैलकुलेशन है, कॉपी जो मैंने आप लोगों को यहाँ समझाई हुई है, सारी प्रोबेबिलिटीज। लेकिन लेकिन यहाँ पे जो आप लोगों ने काम करना है आज की जो हमारी क्लास है उसमें जो आप लोगों को समझाना है मुझे, वो ये समझाना है कि आप लोगों ने जो काम करना है वो बेसिकली किस पे करना है, बाइवेरिएट पे करना है। इसका मतलब है अभी आपने यूनिट पे काम किया था, एक एक इंटीग्रेशन पे काम किया था, सिंगल पे काम किया था। अभी जो आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी है वो किस पे करनी है, बायवेरिएट पे करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम जब हम एक रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं, जब हम सिंगल रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं, तो मैंने आपसे किस पे बात करी थी, सिंगल रैंडम वेरिएबल के लिए, एक रैंडम वेरिएबल के लिए आप एक इंटीग्रेशन यूज कर रहे थे ए से बी तक, ठीक है, जब आपको एक कर्व के अंदर से सिर्फ एक पॉइंट निकालना था। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे आपको जो है वो दो केसेस दे दिए जाए रैंडम वेरिएबल के, ये देखिए टू केस दे दिए जाए रैंडम वेरिएबल विच आर द बोथ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, और अगर वो डिस्क्रीट भी हो सकते हैं और कंटिन्यूस भी हो सकते हैं। मतलब ये कि अगर बाई वेरिएट की बात कर रही हूँ और अगर मैं एक रैंडम वेरिएबल की जगह दो रैंडम वेरिएबल की बात कर रही हूँ, आइदर वो एक रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट का भी, मतलब जो दोनों रैंडम वेरिएबल है, आइदर वो डिस्क्रीट भी हो सकते हैं, आइदर वो कंटिन्यूस भी हो सकते हैं। तो ऐसे दो रैंडम वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, ऐसे दो रैंडम वेरिएबल को हम कहते हैं बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हमारा एक रैंडम वेरिएबल अकर हो रहा था, अब हमारे दो रैंडम वेरिएबल अकर हो रहा है। तो दो रैंडम वेरिएबल अकर हो रहे हैं और दो रैंडम वेरिएबल की अगर हमें प्रॉपर्टीज फाइंड करनी है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है, उनका एरिया फाइंड करना है, तो फिर हमें बाइवेरिएट वाला ही प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होगा और उसी हिसाब से ही हमें काम करना होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बायवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कीवर्ड तो तुम लोग अच्छे से जान चुके हो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कीवर्ड हम क्यों कहते हैं और किस लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसलिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कीवर्ड तो हमें समझ आ गया। और बायवेरिएट का मतलब ये है कि बायवेरिएट का मतलब ये होता है कि आपके पास पहले आप सिंगल वेरिएबल पे बात कर रहे थे, अब आप जो भी बातचीत करेंगे सारे के सारे दो रैंडम वेरिएबल्स पे बात करेंगे, ठीक है, इसलिए हम इसे बायवेरिएट कहते हैं। अच्छा, बाइवेरिएट के बाद ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, टू रैंडम वेरिएबल्स होते हैं। ज्वाइंट का मतलब ही क्या है, दो, जाहिर सी बात है एक को तो ज्वाइन नहीं करोगे आप, दो वेरिएबल्स को ही ज्वाइन होता है। तो दो वेरिएबल्स को ज्वाइन करने के लिए आपने क्या करना है, मतलब एक्स और वाई अगर दो रैंडम वेरिएबल्स आ जाए, इसका मतलब है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। अब जहाँ पे आपको मैंने समझाई थी, जहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको समझाई थी सिंगल वेरिएबल पे, अब वही सारे के सारे काम आपको डबल वेरिएबल पे करवाऊंगी, ठीक है। अब डबल वेरिएबल पे अगर मुझे दो रैंडम वेरिएबल पे ये फाइंड करना है कि आइदर ये फंक्शन पीडीएफ है या नहीं, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई और इस कॉल्ड द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई। पहले हम एक कंटिन्यूस वेरिएबल की बात करते हैं सिंपल एक्स की, एक रैंडम वेरिएबल की बात करते थे जस्ट एक्स की, लेकिन अब हम दो रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं एक्स एंड वाई। तो टू रैंडम वेरिएबल्स की हमने बात की शुरू कर दी है कि अब हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल, दो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होंगे एक्स और वाई, ठीक है। तो अब जहाँ पे हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल हो गए, तो अब हम जब भी बातचीत करेंगे इसमें हम क्या करेंगे, दो
दो रेंडम वेरिएबल हो गया, तो ये जो पहली इंटीग्रेशन हम फाइंड करेंगे वो करेंगे एक्स वेरिएबल की, दूसरी इंटीग्रेशन तो फाइंड करेंगे वो करेंगे वाई वेरिएबल की। तो अब सारी प्रॉपर्टीज वही है, अगर हमें एक फंक्शन को चेक करना है कि आदर इज इट पीडीएफ और नॉट, तो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज थी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, एक्स और वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, इसकी लोअर लिमिट से अपर लिमिट पे इंटीग्रेट करने पे आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, 1। अगर ये दो प्रॉपर्टीज लाई करती है दैट मीन्स कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा। तो ये बात हमने लास्ट टाइम सिंगल वेरिएबल पे प्रूफ भी कर चुके थे, हमने पहले वेरिएबल के अंदर एक एक वैल्यूज आकर सब्स्टिट्यूट करी और चेक कर लिया कि आइदर ये डिस्ट्रीब्यूशन आइदर ये पीडीएफ है या नहीं। अब यहाँ पे वही सेम काम डबल पे करेंगे। फिर तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप उसे लोअर से लेके अपर तक के इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आपको क्या मालूम, अगर हमने एक इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है इंटरवल में, इंटरवल का मतलब है कि भाई मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे ए से लेके बी और बी से लेके सी तक का मुझे एरिया फाइंड करके बताएं, तो अब आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता है एक इंटरवल की इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या था, उसकी लोअर लिमिट से उसकी अपर लिमिट तक के उसको इंटीग्रेट करवाना। फिर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी ग्रेटर देन की, फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी लेस देन की। तो इस तरह हमने अलग अलग प्रोबेबिलिटीज फाइंड की कर चुके हैं। ये पूरा के पूरी जो टॉपिक है आज का बाई वेरिएट का, ये सारा के सारा हम सिंगल पे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बस आज जो हमें चेक करना है वो करना है डबल पे। तो डबल पे चेक करने के लिए देखें, वेरीफाई द फॉलोइंग फंक्शन, यही वही सब कुछ चेक करना है जो हम सिंगल पे चेक कर चुके हैं कि आदर ये फंक्शन पीडीएफ है या नहीं। तो पीडीएफ है या नहीं, इसके लिए हमारे पास दो चीजें इस्तेमाल होती है। पहली होती है कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो आप उसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें और चेक कर लें क्या ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं। अब यहाँ लिखा हुआ सिंस एफ ऑफ एक्स की जितनी भी वैल्यू डालेंगे उन सब पे जो है वो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि ये ग्रेटर देन ही 0 होगा। फिर आप आ जाए इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पे। दूसरी प्रॉपर्टी का मतलब है कि इसकी आपने लोअर से अपर तक की इसे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। जब आप इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि एक रेंडम वेरिएबल नहीं है कि आप सिर्फ वैल्यू ऑफ एक्स के करस्पॉन्डिंग ही इंटीग्रेट कर दें, यहाँ दो रेंडम वेरिएबल एक एक्स और एक वाई। एक बार आपको एक्स से करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन अप्लाई करनी होगी और दूसरी वाई से करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन अप्लाई करनी होगी, क्योंकि दो रेंडम वेरिएबल आ गए। तो दो रेंडम वेरिएबल के लिए दो इंटीग्रेशन लगेंगे पीडीएफ फाइंड करने के लिए। तो आप इसकी लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक के इंटीग्रेट करें, अगर आप उसे सॉल्व करने के बाद आइदर 1 आ जाता है दैट मीन्स कि आपके पास ये फंक्शन पीडीएफ है, अदरवाइज ये फंक्शन पीडीएफ नहीं है। ठीक है, तो ये पीडीएफ क्यों होता है, किस लिए होता है, ये सारी बातें हम पहले ही लेक्चर 6 में कंफर्म कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो वेरिएबल की वजह से इस टॉपिक को दोबारा उठाया है। ये बाय वेरिएट का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर दो कंटिन्यूस वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाए। तो अब आपके पास जब ये फंक्शन आ गया जिसमें दो रेंडम वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, एक एक्स और एक वाई, अब आपने इसका एरिया आपने इसको चेक करना है कि आइदर इज इट पीडीएफ और नॉट। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, इसके लिए आपने ये करना है कि इसमें से आपने क्या करा, सबसे पहले अगर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ होती है कि कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल दीजिए। तो आपने यहाँ पे क्या किया, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाला और फिर इसको एक्स और वाई के करस्पॉन्डिंग से आपने इंटीग्रेट कर दिया। तो सबसे पहले आप एक्स के करस्पॉन्डिंग से इंटीग्रेट कर दीजिए या फिर आप वाई के परस्पेक्टिव से पहले कर दें। तो यहाँ पे देखें वाई के परस्पेक्टिव से पहले कर दिया है कि वाई वाई का मतलब है इसमें स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे। फिर आप जब इसका आंसर आ गया तो फिर आप जो है उसको एक्स के करस्पॉन्डिंग से आप निकाल दें। ठीक है, जब एक्स के मतलब आपके पास जो बाई वेरिएट है उसमें पहले आपने इंटीग्रेशन एक्स से करनी है, पहले आपने इंटीग्रेशन एक्स से कर लें फिर आप इंटीग्रेशन, या फिर आपने यहाँ पे पहले वाई से कर लिए तो आप पहले वाई से कर लें, पहले आपने वाई से कर लिए, वाई से करने के बाद अपर लिमिट डाल के आप आंसर ले आइए या फिर आप एक्स से करके ले आइए, एज यू विश, जो भी इशू है आपका कोई कोई भी तरीका इस्तेमाल करिए, कोई मसला नहीं है। आपने दोनों पे वही इंटीग्रेशन अप्लाई करी, दोनों पे इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद लिमिट सब्स्टिट्यूट करी, लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद फाइनली आप आंसर लेकर आ गए। यहाँ पे देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों डाल के मैंने करके भी दिखा दिया आपको, दोनों पे आपने अपर और लोअर डाली, दोनों पे अपर लोअर डालने के बाद जब आप फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया जाओ, कहा जाए कि चेक करें आइदर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, आइदर ये फंक्शन आपके पास पीडीएफ है या नहीं, तो आप क्या करोगे, उसको सिंपल से उसकी लोअर लिमिट से अपर लिमिट पे इंटीग्रेट करवा दोगे। अगर सिंगल वेरिएबल है एक्स सिर्फ गिवेन है तो इसका मतलब है इसे एक्स पे ही सिर्फ इंटीग्रेट कराना है, अगर वाई भी गिवेन है तो इसका मतलब है ये डबल रैंडम वेरिएबल है, इसका मतलब है इसमें डबल प्रोबेबिलिटी लगेगी।
तो डबल प्रोबेबिलिटी में कोई इशू नहीं होता, सबसे पहले आपने एक प्रोबेबिलिटी सॉल्व करनी है, फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर लीजिए, दोनों की प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर लें और दोनों में अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल के आंसर को फाइनली देखें कि वो 1 आ रहा है या नहीं। अगर वो 1 आ रहा है इसका मतलब है कि ये फंक्शन आपका पीडीएफ फंक्शन है, अदरवाइज आप ये सीरियसली कह दीजिए कि ये फंक्शन आपका पीडीएफ नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने इसके ऊपर डाल के हमने चेक भी की थी, चेक करने के बाद जो है वो फाइनली आपको आंसर भी दिख रहा है। अगर नहीं आ रहा आपके किसी फंक्शन का तो आप साफ कह दें कि ये पीडीएफ फंक्शन मौजूद नहीं है, आप इसको इस तरह डिफाइन भी कर सकते हैं। तो आपने ये काम भी पहले किया हुआ है। अच्छा, अब मैंने ये सोच लिया है कि आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएं, वो जो असाइनमेंट क्वेश्चन सब आपको दिए जाएं, वो आपकी पीपीटीज में ही मैंने इंक्लूड कर दिया। अब ये देखिए, ये मैंने लिख दिया है प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों को डायरेक्ट में क्वेश्चन दे रही हूँ तो वो आप लोगों से प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोगों को आंसर समझ नहीं आ रहा, फिर मुझे आंसर मिल नहीं रहा है कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ, तो इस वजह से मैंने अब आपको को जितनी भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो इसी स्लाइड के अंदर ही मैंने ऐड कर दिए। अब वो स्लाइड के अंदर ऐड कर दिए, अब आज का जो असाइनमेंट होगा वो समझे आपकी स्लाइड के अंदर ही मौजूद है, आपका असाइनमेंट आज का एक्सटर्नल वर्ड की फाइल में नहीं मिलेगा। आज का जो समझे वो चार जो असाइनमेंट थे वो पुराने टॉपिक से थे, और आज का जो टॉपिक का असाइनमेंट वो आज की ही स्लाइड के अंदर मौजूद है। तो अगर यहाँ पे कोई भी सीआर मौजूद है तो ये सुन ले कि अब जो असाइनमेंट्स होंगे वो याद रखिएगा कि जितने भी असाइनमेंट्स होंगे वो आपकी पीपीटीज में ही शामिल होकर दिए जाए। तो ये देखिए, पीपीटीज में शामिल करके मैंने यहाँ लिख दिया है कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का मतलब है कि अब ये आपने सॉल्व करना है, ताकि ये सामने आपके पास आंसर भी है, सामने आपके पास सॉल्यूशन भी है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा सॉल्व करने में। ठीक है, इस वजह से फिर मैंने अब आप लोगों की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से असाइनमेंट को इसी में ही ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, फॉर टू कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई इन जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय। अब इन्होंने फाइंड करने के लिए कहा कि पहले के का कांस्टेंट मालूम करें, उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटीज मालूम करें। अब यहाँ पे आपको पता है के कांस्टेंट के लिए लास्ट टाइम आपको सिंगल वेरिएबल का के विश कांस्टेंट, बोलो कुछ कहना है, शायद गलती से उनका माइक ओपन हो गया होगा। अच्छा, तो ये देखे सबसे पहले आपके पास क्या आ गए, तो पहली चीज आपके पास क्या आ गई कि पहली चीज के अंदर आपने क्या करना है, के कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करनी है, फिर के कांस्टेंट की वैल्यू जब निकल कर आ जाएगी उसके बाद फिर आपने इसकी प्रोबेबिलिटीज मालूम करनी है। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको के कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के दिखाइए, और के कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको सिंगल के अंदर भी डिफाइन किया था कि इसकी लोअर से लेके अपर तक के पूरा इंटीग्रेट कर दें, इसकी जो लिमिट दी हुई है इसके ऊपर इसे इंटीग्रेट करवा दें, इंटीग्रेट करवा के के कांस्टेंट है के कांस्टेंट को बाहर रखें और पूरा सोल्यूशन लेकर आए। जब सोल्यूशन लेकर आएंगे फाइनली, तो ये देखेंगे आपके पास सोल्यूशन लेकर आएंगे, के इज इक्वल टू 2 10 इज इक्वल टू 1/10। जब के कांस्टेंट है के को बाहर रखेंगे 1 ओवर 2 10, तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास के कांस्टेंट की वैल्यू बन गई। तो अब डबल इंटीग्रेशन से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, डबल इंटीग्रेशन भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे आप सिंगल करते हैं, पहले आप एक्स के परस्पेक्टिव से कर लें फिर आप वाई के परस्पेक्टिव से कर लें। तो यहाँ पे सोल्यूशन तभी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया कि भाई आप लोगों को घबराए बगैर जो है वो आप लोग इसे सॉल्व करें। जब आपने के कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली उसके बाद इन्होंने कहा कि अब आप इनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करके बताइए। तो प्रोबेबिलिटीज आपको पता है, इंटरवल की प्रोबेबिलिटीज कैसे फाइंड करते हैं, इन्होंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे दी, एक्स की अपर लिमिट लोअर लिमिट दे दी, और ये रही वाई की अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब आप एक्स की और वाई की लोअर लिमिट यहाँ पे डाल के सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपके पास फाइनली एक्स और वाई रेंडम वेरिएबल के लिए आंसर आ जाएगा। अब मैं इंटीग्रेशन का वही बेटा पुराना प्रोसीजर है जो बार बार आपको हर जगह पे एक्सप्लेन कर रहा है, जिसकी मैंने आपको फॉर्मूले दे दी हैं और सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो वही सारी चीजें कि जब भी पावर आए पावर के अंदर ऐड करें डिवाइड करें, अगर एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल का भी फॉर्मूला आपको पता होता है, साइन कॉस है तो भी इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है, पीछे आपको स्लाइड नंबर 6 में हर तरह के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले प्रोवाइड कर दिए हैं मैंने। ठीक है, तो आपकी जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं और जो असाइनमेंट क्वेश्चन हैं वो आपके स्लाइड में ही आएंगे, तो आप इन्हीं के ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ही दोबारा से प्रैक्टिस करें जो मैंने आपको दे दी है। अब देखते हैं कुछ नई चीज, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है लेट एक्स एंड वाई टू कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल देन ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंडम वेरिएबल। अब देखिए, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब क्या है, सीडीएफ की बात हो रही है, यहाँ किसकी बात हो रही है, सीडीएफ फंक्शन की बात हो रही है। तो सीडीएफ फंक्शन का मतलब है, अगर हमें सीडीएफ फंक्शन फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं हम,
सीधे सीधे हम उसे क्या करते हैं, लोअर लिमिट से लेके एक्स तक के इंटीग्रेट करा देते हैं। लास्ट टाइम इंटीग्रेट करा के पूरा दिखा दिया था, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं दोबारा से शेयर करा देती हूँ आपको कि ये चीज़ भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, ताकि आपको हाथ के हाथ जो है वो चीज़ें याद आती जाए। आपके सामने अब लेक्चर नंबर 6 की स्लाइड शो हो रही है, ठीक है। 6 के अंदर मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखें, ये रहे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि बेटा इसके अलावा यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी मैंने आपको सिंगल वेरिएबल के लिए डिफाइन किया था एक्स के लिए कि ये दो प्रॉपर्टीज आप वेरीफाई करो, इंटीग्रेट करें। यहाँ देखिए मैंने हाथ से खुद सोल्यूशन निकाला था, अब वहां पे सिंपल एक्स पे था, अब यहाँ पे वाई पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद फिर मैंने आपको कहा था कि बेटा के कांस्टेंट को फाइंड करें, अभी वहां पे भी मैंने आपसे डबल में भी के कांस्टेंट फाइंड करवाया। यहाँ पे भी देखिए मैंने हैंड से आपको करके दिखाया था कि देखिए इसको लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक के इंटीग्रेट करवाइए, के को बाहर रखिए और के की वैल्यू को यहाँ देखिए, आपका के की वैल्यू निकल आई। अब यहाँ पे देखिए सिंगल के लिए मैं करवा चुकी हूँ, डबल के लिए आपके सामने मौजूद है, ठीक है। तो सिंगल की इंटीग्रेशन जैसे कर रहे थे आप, सिंगल ही की तरह डबल भी होती है, पहले आप सिंगल कर लें फिर आप डबल को कर दें, सेम होता है, बस ये होता है कि इंटीग्रेशन डबल बार करनी पड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखें मैंने आपको प्रोबेबिलिटीज निकालनी सिखाई थी, ये देखें एक सिंगल की प्रोबेबिलिटीज का मतलब क्या था कि इसे 1/4 से लेके 1/2 तक के इंटीग्रेट करें। तो यहाँ पे आपने क्या किया था, इसको 1/4 से 1/2 तक, 1/2 से 1/4 तक के इंटीग्रेट करके दिखाया था। इसी तरह अब आप वहाँ पे एक्स और वाई को भी 1/4 से 1/2 पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। हर चीज बिल्कुल कॉपी है, बस आज जो जो भी चीजें समझाई हैं वो सारी बाय वेरिएट के प्रॉपर पे समझाती हैं। अब ये देखें क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन सीडीएफ, सीडीएफ को मैंने जब एक रैंडम वेरिएबल था तो क्या कहा था आपको कि इसे लोअर लिमिट से लेके एक्स तक के इंटीग्रेट करें, लेकिन अब मैं क्या कह रही हूँ कि अब यहाँ पे इसके साथ एसोसिएट हो गया है वाई भी। तो वाई जब इसके साथ एसोसिएट हो गया है तो पहले आप एक्स को कैलकुलेट कर लीजिए, फिर इसी के साथ साथ वाई पे भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर दें। और यही जो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मौजूद है सीडीएफ की, यही सारी प्रॉपर्टीज बाय पे भी लगती है, कॉपी है, यही सब कुछ है, लेकिन बस एक रैंडम वेरिएबल का इजाफा हो गया। तो यही चीज अगर दोबारा से वापस आती हूँ लेक्चर 8 पे, तो ये देखें लेक्चर 8 पे यही सारे प्रॉपर्टीज हैं, यही सारी सेम वही सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन अब जो इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है वो क्या हो रही है, एक्स वेरिएबल के लिए इसकी लोअर से एक्स तक के, और वाई वेरिएबल से इसकी लोअर से वाई तक के लिए। यहाँ पे आपने क्या करनी है, इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। इन दी केस अगर आपको कहा जाता है स्टूडेंट के भाई आप हमें एक सीडीएफ फंक्शन बना के दिखाइए, हमने आपको एक पीडीएफ गिविन कर दिया, तो अब आप क्या करेंगे, एक्स को लोअर से लेके एक्स तक के इंटीग्रेट करवा देंगे और वाई को उसकी लोअर लिमिट से लेके वाई तक के इंटीग्रेट करवा देंगे। तो जो आपने इंटीग्रेशन परफॉर्म की थी आपने भी सिंगल के लिए, वही सेम आपने डबल के लिए भी करनी है। तो अभी आपको मैंने एक इंटीग्रेट करवा के दिखा भी दिया था, यहाँ पे लास्ट में मैंने आपको ये बात दिखा भी दी थी कि ये देखें, अगर आपको ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गिवन डेंसिटी फंक्शन, आपसे कहा कि एक डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालें, डेंसिटी फंक्शन आपके पास गिवन है। तो ये देखें आपके पास एक डेंसिटी फंक्शन मैंने यहाँ पे गिवन किया, उस कहा था कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करें। तो आपने ये फाइंड करने के लिए क्या किया था, 0 से लेके एक्स तक के इंटीग्रेट करवा दिया और फिर आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिख लिया। अब जहां पे ज्वाइन का काम क्या होगा, ज्वाइन का काम सेम ऐसे ही होगा, पहली बार इंटीग्रेशन आपने एक्स से कर ली, अब दूसरी इंटीग्रेशन आप वाई से कर दें और वाई से करके जो आंसर आएगा वो भी यहाँ लिख दें। तो इसका मतलब है साथ साथ आपकी ज्वाइन भी निकल गई है, ठीक है। तो वापस आती हूँ अपनी स्लाइड पर, तो यहाँ पे भी सेम यही काम जो है वो यही सारी चीजें यहाँ पे भी कही, एक बार आप इसे इंटीग्रेट करें एक्स से फिर दूसरा इंटीग्रेशन अप्लाई करें वाई से, दोनों की जो है वो रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई का सीडीएफ फंक्शन निकल आएगा। बाकी प्रॉपर्टीज भी कॉपी है, प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने आपको क्या कहा कि इसकी लोअर अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करें तो 1 आएगा, लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करें तो 0 आएगा। बाकी ये भी वही बात है कि ये भी नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है मैंने आपको क्यूमुलेटिव के बारे में एग्जाम्पल दी थी कि ये हर बार क्या होता है, ये हर बार अपना फंक्शन इंक्रीज करता है, कभी डिक्रीज नहीं करेगा। और ना करने की वजह क्या थी, क्योंकि हर बार इसकी सीडीएफ के अंदर हर वैल्यू दूसरी वैल्यू के अंदर प्लस होती जाती है और प्लस होते 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 फाइनली आपकी वैल्यू आती है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको आपके सेमेस्टर के परफॉर्मा की एग्जाम्पल भी बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास कोई ज्वाइन मतलब कोई पीडीएफ फंक्शन गिवन है तो आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी भी मैं आपको समझा चुकी हूँ और आपको करके भी दिखाया था कि देखिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो पीडीएफ के अंदर चला जाएगा,
अगर आपको कोई स्मॉल एफ ऑफ एक्स गिवन है तो आप उस स्मॉल एफ ऑफ एक्स का क्या कर लें, एक पीडीएफ मतलब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें। जैसे ये फंक्शन है फॉर एग्जाम्पल, ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव दे दें, आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव दे दें तो ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स पे कन्वर्ट हो जाएगा, और कैपिटल एफ ऑफ एक्स का मतलब है सीडीएफ, सीडीएफ में चला जाएगा ये। अब सिंगल रैंडम वेरिएबल था तो एक डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा था, डबल है तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव, दो रैंडम वेरिएबल है इसलिए डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा आपको, एक बार एक्स से और एक बार वाई से। फिर आपको कहा था कि इसके जो इंटरवल्स होते हैं सिंगल के जो इंटरवल होते हैं वो क्या होते हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था कि आप जब उसके इंटरवल निकालते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं सीडीएफ की, तो आप क्या करते हैं, सिंपल एफ ऑफ बी में से एफ ऑफ ए को माइनस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटीज निकलेंगी वो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला कर दिया, क्योंकि यहाँ पे चार प्रोबेबिलिटीज है ना, एक्स वाई, तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे आपको डिफाइन कर दिया कि एफ ऑफ बी कॉमा डी माइनस एफ ऑफ ए कॉमा डी, फिर माइनस करें फिर प्लस करें। तो वहाँ पे जरा सिंपल फार्मूला था, यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला याद करना पड़ता है, ठीक है। फिर तीसरी इम्पोर्टेंट और अहम बात यहाँ पे बताई गई है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसे कहते हैं, ये चीजें आपके लिए नई। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो लास्ट की कुछ स्लाइड के अंदर मैंने आपको डिफाइन किया था कि अगर आपके पास एक इस तरह की, मार्जिनल का मतलब मैंने आपको डिफाइन किया था, आपको देख के याद आ जाएगा। देखें, मैंने आपको मार्जिनल के लिए ये डिफाइन किया था, मैंने आपको कहा था कि इस तरह का अगर आपके पास टेबल मौजूद है जिसमें ज्वाइन प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, और जिसके अंदर एक्स और वाई दोनों मौजूद हैं, तो मार्जिनल ऑफ एक्स क्या था, इसका टोटल, ये जो टोटल होता है एक्स का, ये एक्स की वैल्यू है, एक्स के करस्पॉन्डिंग जो उसकी टोटल वैल्यू होती है इसको कहते हैं मार्जिनल ऑफ एक्स, ठीक है, जिसको हमने यहाँ लिखा हुआ है जी ऑफ एक्स वन, जी ऑफ एक्स टू, जी ऑफ एक्स थ्री, इसका मतलब होता है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। और इसके ये जो वाई आपके पास गिविन है, इसके जो करस्पॉन्डिंग ये जो टोटल गिविन है, ये जो टोटल आपके पास वैल्यू गिविन है, इन सबको सम करके जो ये टोटल लेकर आएंगे आप, एच ऑफ वाई वन, एच ऑफ वाई टू, एच ऑफ वाई थ्री, ये होगा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई, जिसको डिनोट किया जाता है एच ऑफ की वैल्यू से। मतलब ये कि डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स मौजूद है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सम आता है दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, और डिफरेंट वाई की वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सम आता है दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई। तो ये होते हैं आपके पास मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन ये डिस्क्रीट केस है, कंटिन्यूअस केस के लिए डिफरेंट होते हैं। तो कंटिन्यूअस केस के लिए मैं अभी आपको समझाती हूँ कंटिन्यूअस केस के लिए किस तरह डिफाइन किया जाता है। अच्छा, ये चीज आ गई आपके पास, कहाँ गए, ठीक है, याद है। तो ये चीज आपके पास आ गई कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई है। तो मैंने आपको क्या कहे, क्या बताया कि इसकी जो फाइनली जो टोटल वैल्यू होती है एक्स के कोरस्पॉन्डिंग टेबल के अंदर, उसे कहते हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो चूंकि हमने वहां पे तो डिस्क्रीट का केस था, तो इसलिए हमने वहां समीशन अप्लाई करके सबका टोटल कर दिया, लेकिन ये कंटिन्यूअस का केस है, यहाँ पे समीशन अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई होगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हुए आप मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स और वाई निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रीट नहीं है, ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस पे सम नहीं करते, इंटीग्रेट करते हैं, कंटिन्यूअस वैल्यू को हमेशा इंटीग्रेट किया जाता है और डिस्क्रीट वैल्यू को हमेशा सम किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दी है, फॉर द फॉलोइंग ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, आपको एक फंक्शन गिवन किया है इन्होंने और कहा है कि ये सारी चीजें फाइंड करके बताइए। पहला कहा है कि 0.2 और 0.4 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, फिर दूसरा कहा है कि रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब 0.1 से लेके एक्स की प्रोबेबिलिटी 0.3 तक है और वाई की प्रोबेबिलिटी क्या है 0 से लेके 0.5 तक, फिर तीसरा कहा है कि ज्वाइंट पीडीएफ मालूम करें, ठीक है। अब जरा एक एक करके से देखते हैं क्या क्या करने के लिए कहा है। तो सबसे पहली चीज इन्होंने कही है कि हमें सबसे पहले 0.2 और 0.4 की वैल्यू निकाल के दें। तो 0.2 आपको बताया था कि क्यूमुलेटिव के अंदर स्टूडेंट्स कभी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना मुश्किल नहीं होता, बहुत ही ज्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास, अगर आपके पास सीडीएफ गिविन है आपको, अगर ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स गिविन है तो डायरेक्टली फंक्शन में वैल्यू डाल दो और कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर ये इंटीग्रेशन होती तो फिर मैं कहती हूँ बेटा टफ है, फिर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सीडीएफ बड़ा ही आसान होता है, इसकी प्रोबेबिलिटीज निकालना भी बहुत आसान होता है। तो देखें, पीडीएफ हमारे पास गिवन था, गिवन इन अ क्वेश्चन लिख दिया मैंने। अब गिवन इन अ क्वेश्चन में क्या है, एक्स और वाई। अब आपको पता है फर्स्ट वैल्यू एक्स की होती है, सेकेंड वैल्यू वाई की होती है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। जो पहला पैरामीटर होता है वो एक्स का होता है, दूसरा पैरामीटर वाई का होता है,
ये बातें मैं आपको मैटलैब में भी समझा चुकी हूँ कि फर्स्ट पैरामीटर एक्स को कंसिडर करो, सेकेंड वाई को करो। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि ये CDF फंक्शन है, CDF फंक्शन में डायरेक्टली वैल्यू डाल दो फंक्शन के अंदर, जरूरी नहीं है कि इसको इंटीग्रेट करो। अगर हाँ ये PDF होता तो मैं कहती बेटा स्टूडेंट लगा दो उसकी इंटीग्रेशन 0.2 से लेके 0.4 तक की, लेकिन अब ये CDF है तो मैं कहूंगी कि डायरेक्ट स्टूडेंट इसमें वैल्यू डाले। तो डायरेक्ट वैल्यू डाले एक्स की जगह पे 0.2 मल्टीप्लाई बाय वाई की जगह पे 0.4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे तो आंसर आ जाएगा 0.08। ठीक है, तो पहला आपने फंक्शन मालूम कर लिया एफ ऑफ 0.2 0.4 का। फिर दूसरा इन्होंने फंक्शन कहा कि इसकी प्रोबेबिलिटीज मालूम करें। अब आपको पता है इसकी प्रोबेबिलिटीज मालूम करने का तो हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला गिवन है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ बी, अब चूंकि वो एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए वाला फार्मूला क्या था, सिंगल एक्स रेंडम वेरिएबल का था, अब यहाँ पे टू रेंडम वेरिएबल है एक्स और वाई। यहाँ पे देखें एक्स और वाई टू रेंडम वेरिएबल है, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए वाला फार्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे फार्मूला गिवन है ये हमें लगाना पड़ेगा। तो ये फार्मूला आप यहाँ पे रखिए, ये फार्मूला आपने रखा यहाँ पे कंसिडर किया। अब आप ए बी सी डी की वैल्यू सबसे पहले निकालें, ये क्या है ए की वैल्यू, ये क्या है बी की वैल्यू, ये क्या है सी, ये क्या है डी। सबसे पहले ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लें और यहाँ पे ए बी सी डी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें। यहाँ पे क्या रखना है बी की वैल्यू, तो आपने बी की वैल्यू 0.3, यहाँ पे क्या रखना है डी की वैल्यू, डी की वैल्यू रखना है 0.5, फिर ए की वैल्यू क्या है 0.1, आप 0.1 रखें, फिर डी की वैल्यू क्या है 0.5। इसी तरह आपने ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इन्होंने क्या कहा, फंक्शनल वैल्यू ऑफ 0.3 एंड 0.5, इसका मतलब है 0.3 और 0.5 को फंक्शन में डालें। तो फंक्शन हमारे पास CDF का फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, दिस वन एक्स ओ वाई। तो अब आपने क्या करना है 0.3 एक्स है 0.5 वाई, तो आपने क्या करना है इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर, फिर लगाया आपने माइनस का साइन। फिर दूसरा फंक्शन क्या है 0.1 और 0.5, तो 0.1 और 0.5 को फंक्शन में डालें, फंक्शन क्या गिवन है एक्स और वाई, तो 0.1x 0.y 5, फिर आपने माइनस का साइन लगाया, फिर 0.3 0.2 को फंक्शन में डालें, तो 0.3 और 0.2 को यहाँ फंक्शन में डालें, 0.3 आ गया एक्स और 0.0 आ गया वाई, तो ये आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस का साइन लगाया। अब किसकी वैल्यू निकालनी है 0.1 है 0, अभी 0.1 को फंक्शन में डालें, जरा यहाँ पे फंक्शन में वैल्यू डालें, तो आपने 0.1 और 0 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन सब को कैलकुलेटर के जरिए इस्तेमाल करें तो फाइनली आंसर क्या आएगा 0.10। तो उम्मीद है कि आपको कुछ प्रोबेबिलिटीज यहाँ डाल डाल के दिखाई हैं और समझाई गई हैं, तो उम्मीद है कि अब आपको समझ आ रही होंगी। इससे रिलेटेड और भी एग्जाम्पल हैं, ये देखें ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन पे दी हैं, ठीक है, ताकि अब आप इसकी प्रैक्टिस करें। अब आपको एक्सटर्नल कोई वर्ड की फाइल नहीं दूंगी, बल्कि जो जिस जिन स्लाइड्स पे मैंने प्रैक्टिस लिख दी है आप बस वही प्रैक्टिस करें। अब यहाँ देखें आपको कहा है कि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, अब देखिए स्मॉल एफ ऑफ एक्स गिवन है, स्मॉल PDF गिवन कर दिया है मैंने आपको, और अब कहा है कि वेरीफाई करें इस प्रॉपर्टीज को, और प्रॉपर्टीज करने की वेरिफिकेशन का सोल्यूशन भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग कुछ